तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम है समीर खान और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्निकल माइंड सपोर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रियलमी C25S के अंदर हम कैसे अपने फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं। मतलब कि आपका फ़ोन हैंग हो रहा है, अगर हैंगिंग प्रॉब्लम हो रही है तब आपको अपना फ़ोन रीसेट करना पड़ेगा। बाकी मेरे हिसाब से नहीं लगता कि हैंगिंग प्रॉब्लम आपकी और सॉल्व हो सकती है। तो उसके लिए गाइस, आपको सेटिंग्स के अंदर जाना है। सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एडिशनल सेटिंग्स का, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस, यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको बैकअप माई डाटा आप इनेबल रख सकते इनेबल अगर आप रखते हैं तो आपको अपनी ईमेल आईडी याद होनी चाहिए और आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको ऑफ रखूँगा और इरेज ऑल डाटा यानी कि फैक्ट्री रीसेट पर मैं क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ से पूछा जाएगा रीसेट सिस्टम सेटिंग, इरेज डाउनलोडेड एप्स। ठीक है, और मैं इसको करूँगा इरेज ऑल डाटा। तो मैं यहाँ पे इसका जो पासवर्ड है वो डालूंगा, जो भी पासवर्ड है। ठीक है, तो मैं इसको सेट कर देता डाल के इसको इरेज डाटा पे क्लिक करूँगा। तो अब गाइज ये डाटा इरेज हो रहा है। ठीक है, अगर आपके फ़ोन के अंदर हैंगिंग प्रॉब्लम है, याद रखें आप तभी आपकी सॉल्व हो सकती है जब अपने फ़ोन को रीसेट करेंगे। तो Realme पावर्ड बाई एंड्रॉयड रिकवरी मोड के अंदर ये आ चुका है। तो मतलब कि ये अब रीसेट हो रहा है। तो काफ़ी सिंपल मेथड है, काफ़ी इजी तरीका है जिससे आप इसको रीसेट कर सकते हैं। यहाँ पे आपका डाटा जो है वो वाइप हो रहा है, तो वाइपिंग डाटा लिखी आ चुकी है आपके सामने। प्लीज़ वेट करने को बोला जा रहा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाटा ही वाइप हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कोई बैक बटन नहीं दबाना, आपको थोड़ा देर वेट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ देर के लिए वेट कर लेता हूँ, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे इसको हम और कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे। तो गाइस, कुछ टाइम वेट करने के बाद वापस से यहाँ पे लिखा आया है रियलमी पावर्ड बाई एंड्रॉयड, क्योंकि अब ये रिकवरी मोड के अंदर नहीं है। तो अब ये फ़ोन ओपन हो रहा है, डाटा जो आपका सारा वाइप हो चुका है। यहाँ से आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी, ना तो आपको यहाँ से बैक जाना है। ठीक है गाइस, और यहाँ पे आपका फ़ोन रियलमी लिखा गया है एक बार फिर से, और आपको अपना फ़ोन ऑफ भी नहीं करना है। तो इजी तरीका यही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और आप अपने फ़ोन को रीसेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अब थोड़ा देर रुक गया है, तो चलिए गाइस, मैं यहाँ पे भी थोड़ा देर और वेट कर लेता हूँ। तो गाइस, यहाँ पे हमारा फ़ोन कुछ देर वेट करने के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, हम यहाँ से नेक्स्ट कर देते हैं लैंग्वेज सेलेक्ट करके। ठीक है गाइस, काफ़ी ईजी तरीके से आपको यहाँ पर सेटअप करना है, जैसे कि मैं आपको सेटअप करके दिखा रहा हूँ। आपकी जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट हो चुकी है, स्विच लैंग्वेज लिखा गया है। यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करनी पड़ेगी, तो यहाँ से हम इंडिया लेके इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब ये सेटअप हो रहा है, यहाँ से इसको नेक्स्ट करना है आपको। टर्म्स एंड कंडीशन इसको यहाँ से आप ऑफ कर देंगे और यहाँ से इसको नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से बोल रहा है कनेक्ट टू वाईफाई, लेकिन हम नहीं करेंगे वाईफाई से कनेक्ट, स्किप करेंगे। यहाँ से हम इसको नेक्स्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ से थोड़ा देर वेट करना पड़ रहा है। फिर यहाँ से गूगल की सर्विस आती है, इसको हम यहाँ से एक्सेप्ट करना पड़ेगा हमको। जस्ट ए सेकेंड आपको यहाँ पे वेट करना है, और यहाँ से आपको लेटर पे क्लिक करना है, क्योंकि हम कोई भी स्क्रीन लॉक नहीं लगाना चाहते। और यहाँ से इसको हम नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से इसको हम लेटर करेंगे वेलकम। तो रियलमी UI के अंदर आपका स्वागत है, आपका फ़ोन सेटअप हो चुका है। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारा फ़ोन यहाँ पे सेटअप हो चुका है, कम्प्लीट ओपन, एकदम क्लीन और विदाउट एनी ऐप्स के अंदर। मतलब कोई भी इसके अंदर आपको फालतू ऐप्स देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्लीन सेट हो गया आपका, जैसा फ़ोन आता है आपका, जैसा आप परचेज करते हैं। अब आपकी हैंगिंग प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस, मिलते हैं आपसे फिर किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।